हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, अभी एग्जाम हो गया था, एग्जाम करके सबमिट भी कर दिया मैम को, और अभी लंच आ गया। लंच में आज दाल मखनी एंड रोटी, और मम्मी ने आज अपना व्रत नहीं रखा है, क्योंकि मैंने मम्मी से कहा था अगर दाल मखनी बनाओगी तो व्रत नहीं रखोगी, तो मम्मी ने नहीं रखा। क्या सीन है। तो अभी मम्मी ने मुझे कॉर्नफ्लेक्स का दूध दे दिया है, तो अभी सब मस्त तरीके से पीऊंगा। तो अंदर चलते हैं, देखते हैं मम्मी भैया के, भैया क्या कर रहे हैं। क्या लाए हो बता? डोसा, चिल्ली पटेटो, स्मूथ। तो जल्दी बताओ, हाँ क्या हो सकता है? सोच ले। स्मूथ। स्मूथ नहीं। रेड बुल नहीं। पिज्जा नहीं। किंडर जॉय नहीं। चॉकलेट नहीं। कुल्लाई। वाइल्ड पावर। प्यारी समझ गई। नहीं, कुछ लाया नहीं है, क्योंकि कुछ नहीं लाया। तेरी फिल्म। बताओ ना क्या लाए। कुछ नहीं लाया। बताओ ना। ये ना लाया कुछ। कुछ नहीं लाया। एक कह रहा था मेरे को वर्ल्ड पावर पीनी है, मेरे बहुत फेवरेट है ये, तो अभी इसे पीते हैं। कितनी बेकार। मम्मी देखो तो चेक करो ना जी। ना दवाई का मुझे कोई शौक नहीं। दवाई की महक आ रही है, मुझे पीनी नहीं है। मेरे को भी तो दो। मैं ना पी रहा। ओए होए, क्या मजा आ रहा है। बेकार लग रही है जी। मुझे बढ़िया लगती है वाली वो ना है रेड बुल, वो कड़वी बटवाई। तुम्हें बढ़िया लगी है? जाओ भैया, तो दे देना ही ना। ये जिसके लिए लाते हैं कपड़े लिए, तू पीता ही ना मम्मी। ले आ ग्लास, ले आ ग्लास में दे दिए। चीकू को दे दिए ग्लास में। हाँ दे। ना मैं ना पी रहा। जब तू पीता ही ना पी रहा। जल्दी पियो, खाए हो इसे मुंह चला चला के। बस मम्मी कैसे खा रहा है। गाइस अभी हम कहीं जा रहे हैं सामान लेने के लिए, तो अभी पापा का है वो कुछ सामान, तो चलते हैं अभी। कितने का मिलेगा वैसे? कितने तक का होगा? नहीं फिर भी तुम कितने तक का बेचते हो? हमारे पास 100 रुपए स्टार्ट है। तो गाइस अभी हम घर तो पहुंच गए हैं, और चलते हैं ऊपर, हम सामान भी ले आए हैं। तो गाइस अभी एक बैड न्यूज है, वो बैड न्यूज ये है कि कल मेरे पापा का फिर से ऑपरेशन है। पता नहीं मेरे पापा के क्या तो हो रहा है, कुछ फुंसी टाइप हो रहा है, तो वो उसका ऑपरेशन है। तो अब क्या रहे, थर्ड टाइम ऑपरेशन हो रहा है पापा का। पहले तो कुछ साल पहले हुआ था, 3-4 साल पहले, और अभी हुआ था 1-4 महीने पहले, और कल फिर से होने वाला है। तो पता नहीं क्या हो रहा है। होप पापा का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो, अच्छे से हो जाए, और पापा भी अब बिल्कुल ठीक हो जाए, फिर पापा के कुछ ना हो। तो बस मैं तो यही दुआ करूँगा। और जो भैया वर्ल्ड पावर लाए थे, इस्मानी ने पानी भर लिया। देखो आराम दिख रहा होगा इसमें भी। और गाइज आज मैंने ये मफलर गले पे इसलिए लगा रखा है, क्योंकि कल पापा ने मेरी एकदम से गर्दन ऐसे खींच दी थी ना, तो वो मेरी गर्दन ऐसे मुड़ गई, और यहाँ बहुत दर्द है कल से, तो मैंने ये इसलिए लगा रखा है जो ठंड वंड ना लगे। तो अभी मैं गोली वोली लूँगा, तब ठीक हो जाएगा जहाँ तक है। और गाइस एक गुड न्यूज़ भी है, आज मम्मी बना रही है तिल के लड्डू। ये देखो तिल के लड्डू बन रहे हैं।
गाइस इधर मम्मी बना रही हैं लड्डू तिल के, और ये मम्मी के हाथ में चाकू है अभी, तो क्योंकि ये हाथ में से हटाना पड़ता है बार बार। तो अभी मम्मी ने गोल शेप देते हुए अपने हाथों से, और मम्मी तो कैसा लग रहा है लड्डू बनाते हुए? बढ़िया। तू क्या कर रही है यहाँ पे? देख रहा हूँ। देख रही है, बनाने सीख रही है। ओ आनिया, ओ बता बता ना गाइस, ये मैंने किसकी नकल करी? सौरभ अम्मा 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 ए, हमारे घर के बच्चों को बताए। ओ अम्मा ओ ऐसे करता है ना वे? ओ अम्मा। और गाइस आज हमारी माँ जी भी आई हुई है गांव से, और मेरी माँ जी संगीता मौसी भी। मौसी या बुआ? मौसी। हाँ इसकी हाँ तेरी भी बुआ ही है। अरे वो वाली मौसी आई है? हाँ, संगीता बुआ आई हुई है। वो संगीता बुआ है। चार चार लड्डू रेडी इसलिए हो रहा है क्योंकि इसकी मौसी का नाम है ना। खाली बुआ कह दो, संगीता बुआ तो बहुत गलत बात होती है। हैं संगीता बुआ तो बहुत गलत बात होती है, पर बुआ बोल सकते हो। क्यों संगीता बुआ क्यों नहीं? ये कह रही है नाम के साथ बोलना गलत है। हाँ ये बात सही कहा ने। गुड गर्ल नहीं है तू, बैड गर्ल है। मैंने लड़कों के कपड़े क्यों पहन रखे तो? क्योंकि अभी तो बच्ची है ना, जब तू पड़ी होगी कांच चाहिए। और इसके हमने कान छिदवाए थे है ना आनिया? आनिया ने बहुत ड्रामे करे थे जब हमने इसके कान छिदवाए थे। चुप चुप लड्डू का स्लो, बिल्कुल चुप। तो गाइस अभी मैं बताता हूँ ये किस किस चीजों से मिलके बने हैं। ये बने हैं तिल से और घी से, शक्कर से, गुड़ से और मूंगफली को कूट के और गोले से। तो फिर इसे राउंड राउंड करके और हमारा लड्डू तैयार। और मम्मी खाती नहीं है वैसे लड्डू, और बना रही है पर। तो गाइस अभी मम्मी ने कहा है ये मटर डेरी वाला घी को मेल्ट करके लिया, क्योंकि लड्डू अच्छे से नहीं बन पा रहे, वो हाथों पे चिपक रहे हैं, तो इसे मेल्ट करके ले चलते हैं। अरे निकल जा, कहाँ फंस गई थी लल्ला? अरे लल्ला कानून पर लगा दिया? नहीं अभी नहीं। आप क्या लगा दें? तो मेल्ट होने करने के लिए बोला था, तो जरा से नहीं हो जाता? नहीं होता। चल रख दे, देखना ज्यादा हो गया। और गाइस आज आरती बॉबी जा चुकी हैं अपने, सुना हो गया क्योंकि वो बाहर निकी यही रहते थे पूरे दिन, तो अच्छा भी लगता था साथ में रहते थे, खेलते कूदते थे हमारे साथ ही खा पी लेते थे, तो बहुत मजा आता था उनके साथ, शैतानी भी करते थे। तो अब तो मेरा मन भी लग रहा, ये खेलती नहीं है मेरे साथ, ना कुसु आता, ना मन्नू, ना माही, कोई नहीं आता हमारे, बस यही आ जाती है एक। तो गाइज अभी मम्मी ने मुझे बोला है कि कान्हा जी को भोग लगाइए लड्डू का, क्योंकि हम हर चीज का पहले भोग कान्हा जी को ही लगाते हैं, लहसुन प्याज का अगर वो ना हो तो। ये रहा एक लड्डू, तो भोग लगाने चलते हैं। हेलो गाइज, अभी मैं लेके आया हूँ हमारे सबके फेवरेट रोल, तो चलो अभी ने खाना स्टार्ट करते हैं। और ये इतने चटपटे हैं कि इनसे कुछ नहीं होता। मस्त जोक मारा ये, हंस रहे हलकट हंस। तो चलो खाना स्टार्ट करते हैं, पहले निकाल तो लो, खाएंगे तो तभी निकालना। और मैं पता कितने लाऊं? 20 पीस, इसका मतलब चार। मम्मी
भाई बहुत टेस्टी है। तो गाइस रोल खा लिए थे, डिनर हो गया। डिनर में थे आज आलू गाजर मटर की सब्जी, और अभी मम्मी ने दे दिया मुझे दूध। तो फिलहाल इस व्लॉग को खत्म यहीं पर, एंड आई होप आपका व्लॉग पसंद आएगा। पसंद आए तो व्लॉग को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।